नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल 15 अगस्त थी और कल के दिन है जो हर घर में तिरंगा लहराया गया और पूरे भारतवर्ष में इस दिन का जश्न मनाया गया। पर आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने इस दिन को जो नहीं मनाया, कोई ऐसा दिवस आया इस दिन का कोई जश्न नहीं मनाया। आपको बता दें कि 15 अगस्त पर हर भारत का जो नागरिक है जश्न मनाता है, खुशी होती है उसके मन में भी। आज 15 अगस्त है, आज 26 जनवरी है, पर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता में ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसका बड़ा कारण क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है, सिद्धू मूसेवाला को गए हुए 2 मंथ से भी ऊपर हो चुके हैं, पर सिद्धू मूसेवाला को अभी तक कोई बड़ा न्याय नहीं मिला है। तो उसी वजह से जो सिद्धू के माता पिता है वो 15 अगस्त नहीं मना पाए और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे बेटे को न्याय मिलेगा उसी दिन हमें जो कोई बड़ा दिवस मनाएंगे, 15 दिवस मनाएंगे, चाहे 26 जनवरी है। तो आपको बता दें कि सिद्धू के पिता कहते हैं कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर है, जो बड़े मुजरिम है, वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो पंजाब की धरती से बड़े कलाकार है, कोई महान व्यक्ति है, उन्हें छीन रहे हैं। हाँ दोस्तों, सिद्धू के पिता कहते हैं कि जब तक ये बड़े मुजरिम है जो इन्हें सज़ा नहीं मिलती, तब तक हमें कोई 15 दिवस नहीं मनाएंगे। तो सिद्धू के पिता का सीधा इशारा गोल्डी बराड और लॉरेंस के लिए था। हाँ दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें सिक्योरिटी दे रही है, अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। और सिद्धू के पिता कहते हैं कि सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय हम मांगने आते हैं, पर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। और सिद्धू के पिता ने कहा कि आप सब देशवासी हैं जो मेरे साथ रहें, तभी मुझे जो न्याय मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय है जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में RIP ज़रूर लिख दे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, जय हिंद।